Hello, this is Sudipa Singh and I'm really excited to come over here in Mulund Festival. Mr. Sapra mujhe har saal bulate hain is Mulund Festival ke liye aur bahut acha lagta hai mujhe kyunki I think bahut kam jagah pe mauka milta hai logon ko apna talent dikhane ka, chahe wo singing ho, chahe dancing ho. So I feel Mr. Sapra is giving a great opportunity to all these people jinke paas ye kala hai aur ye jo platform diya hai unhone Mulund Festival ka. Congratulations. मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष और इस विभाग के हमारे लोकप्रिय नेता, नौजवान नेता श्री चरण सिंह सपरा जी की तरफ से वर्षों से मुलुंड महोत्सव का आयोजन हो रहा है. इस महोत्सव के जरिए पूरे समाज के बीच साहित्य, कला और संगीत का एक जोरदार प्रचार प्रसार होता है. इस तरह के उत्सवों से समाज के लोग एक साथ एक मंच पर आते हैं और भाईचारगी और बढ़ती है. तो निश्चित तौर पर इस तरह के महोत्सव होने चाहिए. मैं आज यहाँ सपरा जी को उनके आयोजन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देने के लिए आया. आप देखेंगे कि मेरे चारों तरफ कांग्रेस पार्टी वाले खड़े. अगर मैंने जरा उल्टा पलटा बोला तो उठा के चारों मेरे को नीचे पटक दे. इसलिए पिछले कई सालों से सपरा साहब इस तरह का मुलुंड के कार्यक्रम को करते हैं और करते ही नहीं है. मुलुंड की जनता को पसंद आता है और कांग्रेस वालों को पसंद आता है, फिर भाजपा वालों को पसंद आता है. इसलिए मैं भी देखने चला आया. मैं सपरा साहब को और सभी कांग्रेस वालों को लाख लाख बधाई देता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम आप जनता के लिए पेश करते हैं. भगवान करे कि आप यही काम करते रहो. हसीन सूरतें आज यहाँ पर है और पिछले चार दिन से जो मुलुंड में ये मुलुंड महोत्सव चल रहा है उसमें मैं आज आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं. ये विषय पिछले छह साल पहले शुरू हुआ था और हमने छोटे एक कार्यक्रम से शुरू किया, ऐसी एक संकल्पना करके कि मुलुंड के अंदर बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है. सो व्हाई वी शुड नॉट एक्सप्लोर दैट टैलेंट. धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई, बढ़ते बढ़ते हमने स्पर्धाएं बढ़ाई, वर्टिकल्स बढ़ाए और पता चला कि मुलुंड के अंदर कितना हुनर है. टुडे वी आर सीइंग दैट द पीपल हु परफॉर्म्ड इन द सेकंड ईयर इन मुलुंड फेस्टिवल दे वेंट टू डांस इंडिया डांस एंड दे रीच क्वार्टर फाइनल्स ओवर देयर. आज आपके सामने देखा आपने तृप्त राज पंड्या, मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का बच्चा जिसने दो बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हासिल किया है, जोरदार तालियां उसके लिए. आज ये जो बच्ची अभी स्काउट की यूनिफॉर्म में थी, हमारे मुलुंड के गौशाला रोड के स्कूल में पढ़ती है और उसको कल राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है. हमारे राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उनको पुरस्कार दिया है बहादुरी का. सो द ब्रेवरी अवार्ड इज कमिंग टू मुलुंड. अजिंक्य राणे इज फ्रॉम मुलुंड. प्रवीण तांबे आईपीएल के क्रिकेट राज हमारे साथ है जिनको आज ऑनर दिया जाएगा, ही इज फ्रॉम मुलुंड. युक्ता मुखी फ्रॉम मुलुंड, अविका गौर फ्रॉम मुलुंड, ऐसे अनेक हस्तियां. तो मेरे मन में भी आया कि मुलुंड के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है. लेट्स टेक अ चांस टू एक्सप्लोर दिस टैलेंट. और उसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे आज ये छठे साल में हम लोग पधार रहे और छठे साल में जो रिस्पॉन्स मिला दैट इज नॉट ओनली फ्रॉम मुलुंड. दिस ईयर वी गॉट एंट्रीज अक्रॉस मुंबई एंड बियॉन्ड मुंबई फ्रॉम नवी मुंबई, थाने, बेलापुर, कल्याण, डोंबिवली, अमरनाथ और कोल्हापुर भी. कल मैं डांस की स्पर्धा में जब गया तो एक लड़का था, दैट एंट्री वॉज फ्रॉम झारखंड और वो लड़का इतना बेहतरीन डांस कर रहा था. यानी आपका मुलुंड फेस्टिवल, मेरा मुलुंड, जहां मेरा जन्म हुआ उस मुलुंड के अंदर, उस मुलुंड का नाम, उस मुलुंड फेस्टिवल का नाम
पूरे देश के अंदर धीरे धीरे गूंजने लगा है। ये आप सबका आशीर्वाद है, ये मेरा अकेले का काम नहीं है। एंड आई एम सो हैप्पी, आई ऑल्सो वॉन्ट, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है। ठीक है, मैं पॉलिटिशियन जरूर हूं, लेकिन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पॉलिटिशियन विद अ डिफरेंस। आई वॉन्टेड टू शो पीपल कि पॉलिटिशियंस भी एजुकेटेड होते हैं, समाज का असली काम करना चाहते हैं, और समाज का असली काम करते करते आज मुझे खुशी होती है कि जब समाज का हर व्यक्ति यहां पर है, यहां पर स्लम की बच्ची भी आती है और यहां पर अमीर भी आता है, यहां पर मिस ब्यूटीफुल हेयर भी होता है, और मैराथन रन के अंदर 5000 लोग आज सुबह दौड़े हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन है, ये हमको आपसे मिल रही है, ये इंस्पिरेशन हमको और मजबूत करती है, आप हमको और मजबूत करें। आई वॉन्ट माई मुलुंड, इस भूमि में मेरा जन्म हुआ, इस भूमि में आपका जन्म हुआ है, इस भूमि के सितारे केवल हिंदुस्तान में नहीं ग्लोबली चमकने चाहिए, ये मेरा सपना है, ये आपका सपना होना चाहिए, हम सब ने मिलकर के इस सपने को पूरा करना है, यही उद्देश्य। कि आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, आप लोग हमारी फिल्मों को पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं, तो हम इस मुकाम पर हैं, वरना हम लोग कुछ नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर बंबईया लैंग्वेज में कहूँ तो आप लोग हमारे माए बाप हैं। So all I can say is thank you, and छोटा सा आदमी, all I can do is wish you luck कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो, बस यही दुआ करूँगा, क्योंकि आप लोग जो हमें इतना प्यार देते हैं तब हम इस मुकाम पर पहुँच पाते हैं। So thank you very much, thank you। रोहित जी का एक ऑडियो विजुअल मेरे ख्याल से चल रहा है पीछे, जब तक हम इनको फेलिसिटेट करें, प्रतीक पटेल जी और श्रवण गुलेरिया जी हमारे बीच है। प्रतीक पटेल जी राजेश लाइव स्पेसेस से, जो हर साल इस जो ये यंग टैलेंट को प्रमोट करने की इवेंट है इसको सपोर्ट करते हैं, रोनवाल ग्रुप भी, सभी लोग। मैं कहूंगा कि प्रतीक पटेल जी और श्रवण गुलेरिया जी रोहित शेट्टी जी का यहां पर सत्कार करें। यस दिलवाले। करना चाहूंगा चरण सिंह सप्रा साहब का, बड़े भाई की तरह और बड़ा अच्छा काम करते हैं, भगवान इनको हमेशा तंदुरुस्त रखे, अच्छे काम करने वाले लोग दुनिया में कम होते जा रहे हैं। सो आप सब लोग इतना प्यार देते हो और ऐसे ही उम्मीद है कि आप आगे भी आने वाले समय में प्यार देते रहेंगे, और हम लोग भी कोशिश करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आए। और मैं अभी देख रहा था आप सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, राजीव ठाकुर मेरे दोस्त हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, और मज़ा आता है आप सब लोगों को देख के जब आप लोग हंसते हैं, खास तौर पे जो शादीशुदा लोग भी हंस रहे हैं देख के, ये और मज़ा आता है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और मुझे सरप्राइज एक्चुअली थोड़े दिन पहले मिला जब मैंने सुना कि सप्रा साहब के बेटे की शादी है, तो मैं अभी इनकी डॉटर इन लॉ को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, पर कमाल के, मतलब बहुत छोटे से ससुर रखे हैं आपने। सो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। तो जल्द ही आने वाले टाइम में हम लोग एक और फिल्म बना रहे हैं, ऐसे में प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, ऐसे मुंह से निकल गया, पर उम्मीद है कि आप सब लोग हमेशा ही काम को पसंद करते रहेंगे और सब एक दूसरे का मिलके साथ दें हम लोग। और क्योंकि बड़ी बार हम लोग अपने शो में बोलते हैं कि सफाई अभियान से जुड़े हैं, ये करें वो करें, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इंडिविजुअली अगर अपनी जिम्मेदारी हम लोग ले लें तो बदल सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं है। पर एनीवेज ज़्यादा मुझे भाषण देने लोग कहेंगे तो इलेक्शन पे खड़े होने वाला है। थैंक यू सो मच, असर होता है सर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सो थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, सब बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सब लोग ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो देखना देखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। में आए हैं
और ये कार्यक्रम केवल मुलुंड तक का सीमित नहीं है, मुलुंड से आगे ये पूरे महाराष्ट्र के यहाँ पर पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और अभी पार्टिसिपेंट झारखंड से भी इस साल आए हैं, तो ये नेशनल स्टेचर पर हम इस कार्यक्रम को ले जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुलुंड के अंदर ऐसे ऐसे सितारे भी हैं, आईपीएल के क्रिकेटर प्रवीण तांबे, हिंदुस्तान की टीम के अजिंक्य रहाणे और यहाँ पर अनेक लोग ऐसे हैं, उनको हम मुलुंड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित करते हैं। बेसिकली जो नौजवान, जो युवा पीढ़ी है, उसको प्रोत्साहन करने के लिए कि आपको भी इनकी तरह अपना नाम और अपने मुलुंड का नाम, अपनी मुंबई का नाम, अपने महाराष्ट्र का नाम केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में आपको रोशन करना है, इस उद्देश्य को लेकर के हम चले हैं। मैं सभी दर्शक जो है CN न्यूज़ के और सभी चैनल के दर्शक जो इस कार्यक्रम को आपके माध्यम से देखेंगे, सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। कहने के लिए मुलुंड फेस्टिवल, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सप्रा जी ने बताई कि पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने इस साल खास करके, और आई थिंक मैराथन जिसने जीता है वो बदलापुर से हैं, अंबरनाथ से हैं लोग, और आई थिंक झारखंड से भी एक ग्रुप आया था, डांस ग्रुप आया था पार्टिसिपेट करने। तो आई थिंक ग्रेजुअली फेस्टिवल और बड़ा हो रहा है, और सिर्फ मुलुंड ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं यहाँ पार्टिसिपेट करने, और एक अच्छा कॉज है बच्चों के लिए, औरतों के लिए। सो लाइक दे आर प्रमोटिंग द यंग टैलेंट एंड आई रियली सपोर्ट देम फॉर दिस, एंड सप्रा जी इज रियली डूइंग अ गुड जॉय, एंड आई जस्ट विश देम के और ये फेस्टिवल हर साल बड़ा होते चले जाए बस। मुलुंड में है ना, अपन मुलुंड फेस्टिवल का बात करेंगे। नहीं आप आ जाओ, मैं मिल लूंगा। Can you give New Year wishes to all the viewers? I just want to say कि New Year आ रहा है, तो I want to wish everyone Happy New Year, and जो भी अगले साल आपकी मिशन हो, जो भी resolutions हो, वो पूरा हो, and I wish everyone a very Happy New Year. बहुत अच्छा लग रहा है मुलुंड फेस्टिवल में आके, आप देख ही सकते हैं कि इतना तामझाम, इतना लोकप्रिय है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं जब आया था मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा फेस्टिवल होगा, क्योंकि लगता था कि कम लोगों में, लेकिन बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और सप्रा सर ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है और जिस तरह से अच्छे से मैनेज किया है, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, और मैं दुआ करता हूँ कि ये मुलुंड फेस्टिवल सालों साल चलता रहे, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। सप्रा सर को बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ की, और जिन प्रतिभाओं को उभारने के लिए ये फेस्टिवल रखा गया है वो सब प्रतिभाएं बहुत आगे तक जाएं। ऑल द बेस्ट मुलुंड, न्यू ईयर के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों के दुख ठीक उसी तरह कम हो जिस तरह से इंसानों से ईमानदारी कम हो रही है। सो बी हैप्पी, और लड़कियों की रिस्पेक्ट कीजिए, लड़कियों को जन्म देने का अधिकार दीजिए ताकि वो भी आगे आकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम मर्दों से ज़्यादा अच्छा काम कर दिखाएं, जो कर दिखा भी रही है। सो सेव द गर्ल चाइल्ड, रिस्पेक्ट द गर्ल। सेवक फाउंडेशन द्वारा मुलुंड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, आप यहाँ पर सहभागी हुए, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत, मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे अच्छे नेक फाउंडेशन के लिए, चरण जी और मेरी पहचान कपल ऑफ डेज पहले फ़ोन पर हमारी हुई, और हमारा जो कॉमन फ्रेंड है नीरज श्रीधर, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही उच्च दर्ज के संगीतकार और सिंगर हैं हमारे देश के, तो उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे चरण जी जी के बारे में कही, तो इस उस फलस्वरूप मैं आज यहाँ हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इतना बड़ा सेटअप है, सब अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, रीज़न तो बहुत अच्छा है कि यू नो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी है जो आज से 30 साल पहले दिखाई देती थी, कि पूरी एक एरिया को एक कर उसे, उसमें चाहे सोशल वर्क करना, चाहे बहुत सारी चीज़ें करना, कॉम्पिटिशन्स करना विद इन, यू नो इट्स फैंटास्टिक। तू ही तो है ख्याल मेरा, तू ही तो है करार मेरा, झूठे नशे चाह में कभी
तू ही तो है खुमार मेरा, जिंदा हूँ तुझ पे मर के, भूला सब तुझको पढ़ के, कैसा ये प्यार मेरा। Give your wishes. Give your wishes. Happy New Year. Happy safe 2016. Happy large-hearted giving 2016 as opposed to taking. You know, God bless and may there be peace and prosperity all throughout the world. Mulund Festival द्वारा हर साल यहाँ पे आयोजन किया जाता है. आप भी आप यहाँ पे शरीक हुए. क्या कहेंगे पूरे contestants के बारे में, पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए ऐसा है कि ये जो त्योहार है चार दिनों का, ये छठवा साल है और मुलुंड वासियों के लिए मैं मानता हूँ ये पूरा एक त्यौहार है, एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इतना जो जोश, जो उमंग, जो उल्लास हम देखते हैं यहाँ पर मुलुंड वासियों में, मुझे लगता है कि हम अंधेरी लोगों को भी कुछ शुरुआत करनी चाहिए ऐसी. और आई थिंक एक ही इंसान है जो इसका पूरा जिम्मेदार है और वो है मिस्टर सपरा जी, चरण सिंह सपरा जी ने जो ये एक इस त्यौहार का जो उन्होंने जो इसकी शुरुआत की है. मुझे लगता है ये बहुत सालों तक जाएगा, बहुत लंबा जाएगा और इतना टैलेंट जब स्टेज पर आता है, चाहे वो फिल्म पर्सनैलिटी हो या टेलीविज़न हो या स्पोर्ट्स कोई हो, मैं मानता हूँ कि मुलुंड वासियों के लिए ये एक वाकई, जैसे हम मानते हैं कि हमारा गणेश उत्सव है उसके बाद ये मुलुंड का उत्सव है, तो मुझे वो अच्छा लगा कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे यहाँ कई बड़े एक तादाद में लोग मुझे दिखे हैं और इतना इतना इतनी खुशी दिखी है मुझे यहाँ पर लोगों के चेहरों पर कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. नया साल आ रहा है, कोई जी हाँ रेजोल्यूशन है आपका न्यू ईयर? देखिए नए इस साल की जो 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 हम इसका अंत कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे एक पैमाने पर इसका अंत हो रहा है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर अंत हो रहा है. बस चार दिन हम बाकी हैं नए साल की शुरुआत के लिए और मुलुंड उत्सव में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे नए साल की जो शुरुआत जो है वो हो चुकी है. तो बस यही है कि अगला साल जो हम सबके लिए बहुत अच्छा जाए, हम सब जो हैं बहुत बहुत खुश रहें, सबको बहुत प्यार मिले, सब बहुत तरक्की करें. आई थिंक सबकी जो है एक तरह से सब बेसिकली हम चाहते हैं सब खुश रहें, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे और आई थिंक जब ऐसे लोग हों चरण सिंह सपरा जैसे लोग तो आई थिंक डेफिनेटली सब खुश रहने वाले हैं. सो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज़ अ सुपर्ब एंटरप्रेन्योर और आई थिंक एक कहना जैसे एंटरटेनमेंट का जो एक जो तड़का वो डालते हैं वो उनसे सीखना पड़ेगा डेफिनेटली. हैप्पी न्यू ईयर विशिंग एवरीबडी, आई थिंक ऑल द व्यूअर्स एवरीबडी आउट हियर वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. 2016 हम सबके लिए बहुत कमाल करें और फिर मैं आऊँ अगले साल यहाँ पर. सो थैंक यू सो मच एंड लव यू. सालों से कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बने ये फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में. सो इट्स रियली गुड कि ये फेस्टिवल चालू किया है. इससे मेरे ख्याल से उनके बहुत सारे स्पोर्ट्समैन दिखाई देंगे आने वाले सालों में.